आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि स्ट्रेस और डिप्रेशन के हम लोगों के ऊपर क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं और ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है और इस प्रॉब्लम को मेडिटेशन से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मेडिटेशन से कैसे हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं। हाय एवरीवन, माइसेल्फ डॉक्टर अंजू सिंगला फ्रॉम सिंगला स्लिमी क्लिनिक। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले के समय में स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत कम होता था, आज के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहने लगे हैं। बात करेंगे बच्चों की। आजकल बच्चों के ऊपर स्टडी का इतना प्रेशर है और ऊपर से कंपटीशन, जिसकी वजह से बच्चे स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं बिजनेसमैन की। बिजनेस में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि हमें हर रोज एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। और जॉब में भी बहुत कंपटीशन हो गया है। और बात करें बुजुर्गों की, तो उनमें अकेलापन होने की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्ट्रेस और डिप्रेशन के साइड इफेक्ट। मैं 2003 से वेट लॉस के ऊपर काम कर रही हूँ। इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा फैटी लोगों को मिली और ज़्यादातर लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार थे। यही एक बहुत बड़ा कारण है वेट बढ़ने का। सबसे पहले बात करें स्ट्रेस और डिप्रेशन से मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है और उससे एसिड लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता है जिससे मेटाबॉलिज्म सिस्टम वीक हो जाता है। इनसाइड ऑर्गन पे भी इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है वेट बढ़ने का। स्ट्रेस और डिप्रेशन से हार्ट प्रॉब्लम भी होती हैं और बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमें प्रॉपर नींद भी नहीं आती है और हम हर समय टेंशन में रहते हैं। इससे बचने के लिए ज़्यादातर लोग कोई ना कोई रेमडीज या मेडिसिन लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है वेट बढ़ने का। स्ट्रेस से कैसे बचा जाए? स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है। मेडिटेशन हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, पर इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल और कुछ हैबिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। हमें सुबह 5 बजे उठकर फ्रेश होने के बाद आधा घंटा वॉक करनी चाहिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर किसी को स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं है तो उन लोगों को भी डेली मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन करने से ब्रेन का बैलेंस रहता है, हमारी मेमोरी शार्प होती है, एसिड लेवल कम होता है, ऑर्गन प्रॉपर वर्क करने लगते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और हमें नींद भी प्रॉपर आनी शुरू हो जाती है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी एक्टिव होती है और लेजीनेस कम होती है और ब्रेन प्रॉपर काम करने लगता है। और हमें 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। खाने में लंबा गैप होने की वजह से भी वेट बहुत तेजी से बढ़ता है और एसिडिटी बढ़ने से स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है। हमें 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, चाहे वो दूध हो, फल हो, सैलेड हो या खाना हो। 1 से 3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। ऐसा करने से एसिड लेवल बैलेंस में रहता है और वेट कम होने में हेल्प मिलती है और स्ट्रेस और डिप्रेशन भी कम होता है। हमें नींद भी प्रॉपर आती है और हम ऐसा करके एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। हमें जंक फूड और ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर मेडिटेशन से और प्रॉपर खाना खाने से स्ट्रेस लेवल कम होता है, नींद भी प्रॉपर आती है और हमारे ऑर्गन प्रॉपर वर्क करते हैं और इससे हम हेल्दी और अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।